नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नालासोपारा में ट्रैफिक पुलिस बाइक के साथ लोगों को भी करती है टो, वीडियो आया सामने। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है नालासोपारा का, जहां आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक विभाग द्वारा टोइंग की कार्यवाही की गई। वहां एक महिला उस टोइंग वैन पर बैठी दिखाई दे रही है। तो ये घटना कुछ ऐसी है कि नालासोपारा अंतर्गत मार्केट में अपने किसी काम से आई ये महिला गाड़ी जब वहां पार्क करती है, तब उसी समय वहां टोइंग वैन आती है और वो टोइंग वैन इस महिला की गाड़ी को टो करती है। इस पर महिलाओं को ये बोलती है कि मैं यहां मौजूद हूं, अपनी गाड़ी को क्लेम करती है, लेकिन तब भी ट्रैफिक विभाग वहां रुकता नहीं और उस महिला की गाड़ी को ले जाने के लिए तत्पर हो जाता है। वो महिला की गाड़ी को जब ले जाने लगता है ट्रैफिक विभाग और टोइंग वैन, तब वो महिला उस टोइंग वैन पर चढ़कर बैठ जाती है और उस महिला के टोइंग वैन पर बैठने के बावजूद वो टोइंग वैन गाड़ी लेके जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं। इस पूरी घटना पर उस महिला ने क्या कुछ कहा, वो आप आगे वीडियो में सुनिए। उसके बाद इसी मामले पर हम आगे की चर्चा करते हैं। आज जी कंडीशन झाली काय काय होतं नेमकं काय झालं तुमच्या सोबत? त्यांनी अनाउन्समेंट नाही केलं, आम्ही डॉमिनोज मध्ये जस्ट गेलो होतो, त्यांनी अनाउन्समेंट नाही केली आणि डायरेक्ट गाडी उचलली आणि ते आता खोटं बोलतात की त्यांनी अनाउन्समेंट केली ना, पण त्यांनी अनाउन्समेंट नाही केली आणि त्यांनी मला पूर्ण आणि त्यांना आम्ही थांबवलं तर त्या थांबल्या नाही, आम्हाला बोलल्या की डॉमिनोजची तर सीसीटीव्ही बघूयात चलून, आणि त्या थांबल्या नाही, त्यांनी गाडी घेऊन पळ काढला तर मी गाडीच्या आड आली। मॅडम, तुम्ही गाडीच्या आड येत होता, टेम्पोवर बसलात, काय प्रकार होता, कशाला तुम्ही येत? कारण त्या गाडी पळवत होत्या आणि आम्हाला इकडचं काहीही माहित नाही, आम्ही जस्ट शिफ्ट झालोय तर आम्हाला काही इथं काही कुठे काय आहे त्यांचं गोडाऊन वगैरे आम्हाला माहित नाही। मी त्यांच्याशी बोलते पण माझ्याशी बोलायला रेडी नव्हत्या, त्या फक्त होत्या मी अनाउन्समेंट केली आणि गाडी घेऊन पळत होत्या। मॅडम, बाकी पण इथे ऑफिसर आहेत तुमचं, इथे गोडाऊन मध्ये सुद्धा त्यांच्याशी वाद झाला, काय झालं कशासाठी? ऑफिसर्स ऐकायला तयार नाहीये, ते ही फाईन ती फाईन सगळं जबरदस्ती करतायत। काहीतरी एकाचं नाव आहे, त्या मॅडमचं नाव आहे, सरनेम काहीतरी जाधव आहे आणि दुसरा सर आहे त्याचं नाव गुंजाळ आहे आणि एक दुसरा आहे, त्यांनी कोट घातलाय, त्याचं नेमचं जी प्लेट आहे दिसत नाहीये। ओके मॅडम, आता तुमची तक्रार काय, तुम्हाला कारवाई हवी आहे? हा, आम्हाला कारवाई हवी आहे, त्यांनी गाडी घेतली आहे बिना अनाउन्समेंट करता, त्यांनी रुल्स रेग्युलेशन नाहीयेत का, रुल्सच्या अगेन्स्ट गेले, कारण आम्ही जस्ट उभे होतो, जर अनाउन्समेंट केली असती सिम्पलची गोष्ट आम्हाला ऐकायला आली असती, त्यांनी अनाउन्समेंट केली ऐकायला नाही आली। किती वेळ झालेला तुम्हाला दुकानामध्ये जाऊन? 2 मिनिटं झाले होते फक्त। जाऊन तुम्ही लगेच बाहेर आले? लगेच बाहेर आलो, पर्स गाडीत होता म्हणून पर्स घ्यायला बाहेर आलो होतो आणि बघतोय तर गाडी जस्ट आमच्या समोरून गाडी उचलून तिकडे पळाले। आपण सुनाव महिलांनी क्या कुछ कहा। इस महिला ने विरोध किया, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जिम्मेदार है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि हमारा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। कई बार ऐसे मामले होते हैं जहां टोइंग को लेकर टोइंग विभाग जो है तत्परता से काम करता है, काफी क्विक एक्शन करता है, जबकि फैसिलिटी या सुविधा की बात करें तो सुविधा के नाम पर बिल्कुल प्रशासन जीरो है। वसई विरार या पूरा मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग जब अपनी दोचाकी वाहन लेकर घर से निकलते हैं, अपने काम के लिए बाजार जाते हैं, तो उनको गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती, फिर उनको यहां वहां गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। हालांकि हाल फिलहाल में मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय ने पार्किंग नो पार्किंग जोन का डिक्लेरेशन कर दिया और उस पर काम जारी है, लेकिन तब भी ऐसे में संसाधन काफी कम है। लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको अपनी बाइक या अपने व्हीकल्स खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिलती है, इसलिए उनको मजबूरीवश वो गाड़ी यहां वहां खड़ी करनी पड़ती है। जब कोई दो टू व्हीलर यहां वहां खड़ा होता है और वहां से टोइंग वैन निकलती है, तब टोइंग वैन तुरंत ही उस टू व्हीलर को उठाती है। इसके पीछे बड़ा खेल है, इसके पीछे खेल यह है कि टोइंग वैन जब उस टू व्हीलर को उठाएगी तो उससे 500 रुपये फाइन लगाया जाता है, वो सरकारी खाते में जाता है और 200 रुपये टोइंग का अलग से सरचार्ज लिया जाता है। हमने पहले के वीडियो में भी आपको बताया, आपको मालूम है वो टोइंग का 200 रुपये जो सरचार्ज लिया जाता है, वो पैसा जाता है कॉन्ट्रेक्टर जो टोइंग करता है उसको। अब जाहिर सी बात है कि यहां कॉन्ट्रेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए
गाड़ी को तुरंत उठाने की कवायद की जाती है, किसी को बख्शा नहीं जाता है, क्योंकि सुबह से शाम तक में अगर कॉन्ट्रेक्टर को कितनी भी गाड़ियां, जो कुछ गाड़ी कॉन्ट्रेक्टर उठाता है, टॉइंग वैन उठाती है, उसका पर गाड़ी उसको 200 रुपया मिलता है। तो आप हिसाब लगाइए कि अगर वो एक गाड़ी उठाएगा तो 200 मिलेगा, लेकिन 100 गाड़ी उठाएगा तो 20,000 होता है एक दिन का, और ऐसा कितना ही वो पैसा बनता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेक्टर जो है वो सीधे तौर पर अपना मुनाफा देखने के लिए पब्लिक को परेशान करते हैं। ऐसा नहीं कि कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, हम ऐसा कह रहे हैं, कार्यवाही करनी चाहिए, जो टोइंग भी अगर जरूरत हो तो करनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आयुक्तालय या महानगर पालिका अपने पैसे से टोइंग वन खरीदते हैं, क्यों कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत आती है, एक सवाल बड़ा है। पिछले दिनों आपको याद होगा वसई स्टेशन पर एक फोर व्हीलर गाड़ी की वजह से काफी ट्रैफिक जाम हुआ था, हमने आगे की वीडियो में वो खबर लगाई है, उसमें उस फोर व्हीलर पर सिर्फ 500 रुपए का फाइन किया गया था और फोर व्हीलर को टो करने का कोई साधन वसई विरार अंतर्गत या मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत है नहीं, टोइंग वैन नहीं है जो फोर व्हीलर को टो करे। तो फोर व्हीलर से ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है कि टू व्हीलर से ज्यादा जाम होता है, ये सवाल है। टू व्हीलर से अगर ट्रैफिक जाम हो रहा है तो टू व्हीलर को एक बार हटाकर कहीं और जगह रखा जा सकता है, तब भी टू व्हीलर को उठाया जाता है, टोइंग किया जाता है और टू व्हीलर के मालिक से 500 रुपया फाइन का और 200 रुपया टोइंग का वसूला जाता है, 700 रुपया वसूला जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा सिस्टम जिम्मेदार है, जिसकी वजह से लोगों को विरोध करना पड़ता है। कई बार टोइंग वैन जब आता है तो अनाउंसमेंट करते हैं कि आप अपनी गाड़ी हटा दीजिए, हम टो करने वाले हैं, वो करते हैं वो लोग, लेकिन क्या वो काफी है? सुविधा के नाम पर कुछ सुविधा नहीं है, पार्किंग नो पार्किंग जोन नहीं है, अभी डिक्लेयर किए वो भी पूर्ण नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन इस उगाही के नाम पर, वसूली के नाम पर जमकर वसूली चालू है। खैर यह घटना हमने आपको बताई, यह घटना नालासोपारा की कल की है, जहां इस महिला के साथ इस तरह से बर्ताव हुआ। इस महिला ने जब अपनी गाड़ी क्लेम की तब भी टोइंग वाहन पर बैठे अधिकारी ने, कर्मचारी ने उनकी बात नहीं सुनी और उनको गाड़ी में बिठाकर साथ में लेके गए। ऐसे मामले होते तो कई बार प्रशासन आम लोगों के ऊपर प्रशासनिक कार्य में बाधा का मामला भी दर्ज करवाते हैं और आगे जाके वो लोगों को उनकी लाइफ के लिए काफी दिक्कतें भी आती है। तो क्या कोई जानबूझकर प्रशासन के काम में अड़चने डालता है? यह भी सवाल बड़ा है। प्रशासन अगर इस तरह से लोगों के साथ गलत बर्ताव करेगा, प्रशासन अगर लोगों को एक माने में लूटमार करेगा तो पब्लिक करेगी क्या? अभी कुछ महीने पहले मैंने एक खबर लगाया था, उसमें मैंने बताया था कैसे एक ही शख्स को एक महीने में दो बार 700 और 1600 रुपए टोइंग का भरना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में बदलाव की जरूरत है और कार्यवाही पुलिस करे, करनी ही चाहिए, लेकिन कार्यवाही के पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।